लेडीज वाले चक्कर, उनको पता चल गया है कि अभी लोग हमें समझ गए हैं। तो उन्होंने अभी क्या शुरू किया है कि उन्होंने बड़े बड़े पेजेस और फेसबुक पे आईडीज बनाई हैं जिसपे वो गाड़ियों की खरीद और फरोख्त कर रहे हैं। किसी में ट्रेला लगाया हुआ है, किसी में ट्रैक्टर लगाया हुआ है, किसी में मजदा लगाए हुए हैं। वो मुख्तलिफ तरीके से आपके साथ व्यापारी बन के वो पेजेस पे आपके साथ चैटिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं और आपको फोटेजेस दिखा रहे हैं कि भाई ये हमारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ये ट्रेले खड़े हुए हैं, लोडर खड़े हुए हैं और अदरवाइज दूसरी व्हीकल्स खड़ी हुई आप ले जाएं। तो उसमें काफी लोग जो है पंजाब के और केपी के गए, वो बेचारे आ रहे हैं, खास करके कश्मोर, घोटकी, रहीमियर खान इस इलाके में वो पहुंच रहे हैं। फिर उनको बंदा वो अंदर कच्चे से सेंड कर रहे हैं दिराक इलाके से कि भाई हमारा बंदा आ रहा है आपको लेने के लिए। फिर वो उनको उठा के लेके जाते हैं, वो बेचारे आ रहे हैं कि हमारा कोई बिजनेस है लेकिन वो असल में बेसिकली डाकू है। तो उसमें सबसे मैं आपको कुछ पेजेस दिखा रहा हूं अभी, जो वो जो पेज अभी इस्तेमाल कर रहे हैं और काफी लोगों को उन्होंने इस पेजेस के थ्रू ट्रकें और गाड़ियां और मवेशी। अच्छा, ये भी आपको बताऊंगा, जैसे ईद का मौके आएगा अपना जो ईद जुहा के, तो वो फिर मवेशियों का आपसे बात करेंगे, हमारे पास मवेशी खड़े हैं तो वो बेचारे व्यापारी आके वो खरीदारों के। अभी ये आपको मैं पेज दिखाऊं, ये जावेद अल माणी ये पेज है, ये आप दिखाए मैं थोड़ा नजदीक करें, इसको नजदीक करें। इस पेज के थ्रू भी उन्होंने काफी जो है बंदों को अगवा किया है, ये गाड़ियां खड़ी हुई है। एक ये पेज है, एक दूसरा खासकर ये पेज है, पाकिस्तान मजदा T3500 सेल एंड परचेज, ये देखें, ये भी दिखाएं भाई, ये पेजेस भी है जिसपे काफी लोग अगवा होके आ रहे हैं। इन पेजेस के थ्रू वो लोग बिजनेसमैनों से रब्ता कर रहे हैं। तो खुदा के लिए हम यही कह रहे हैं कि आप ख्याल रखें, खास करके इस एरिया में तो बिल्कुल ना आए, अगर कोई आपसे बात भी कर रहा है तो आप सिटीज से आगे ना जाएं, क्योंकि वो अंदर से आपको बंदे भेजेंगे कि भी हमारा बंदा आ रहा है आपको लेने के लिए, कोई बाइक पे आएगा, किसी और व्हीकल पे आएगा, लेकिन वो समझेंगे वो डाकू होंगे, आपको उठा के अंदर दरिया के अंदर लेके जाएंगे। तो बड़े बड़े लोग अगवा हो चुके हैं, तो मेहरबानी करके खुदा रहा आप खुद भी परेशान ना हो, अपने बच्चों को भी परेशान ना करें और हमारी पुलिस को भी परेशान ना करें। और मैं ये भी दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि इस मेरे मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, खास करके केपी के लोगों को और हमारे जो पंजाब के भाई हैं उनको, क्योंकि केपी के लोग जो है वो ज्यादा बिजनेस करते हैं इस मजदाओं का, गाड़ियों का, लोडरों का, ट्रकों का, तो वो ज्यादा खींच के चले आ रहे हैं और काफी लोग यहां से अगवा हो गए हैं और बाद में पुलिस भी परेशान हो रही है। तो मैं सब दोस्तों को एक दफा दोबारा भी कह रहा हूं कि काइंडली इस मैसेज को शेयर करें और पंजाब के खास करके जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं या केपीके के ग्रुप्स हैं उसमें भी शेयर करें कि जैसे ये लोग हमारे इस एरिया में सिंध के अंदर ना आए। शुक्रिया, मेहरबानी।